अकेले ये अकेले वो तो ऐसे है मेरे। ऑल गुड मॉर्निंग एंड अब आप देख रहे हो मैं अभी तक बेड पे ही हूँ एंड इट्स 10 o'clock। भाई ऐसा मौसम हो रहा है ना जैसे सुबह के 7-8 बज रहे हैं। और जब मैं सुबह उठी, उठ तो मैं गई थी बट बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। और जब मैं सुबह उठी, देखो कैसे मैचिंग मैचिंग पिंकी पिंकी, जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। मेरी आंखों में से मिर्ची ऐसे इरिटेशन ईचिंग जैसा हो रहा था, पता नहीं वो शायद हीटर की वजह से हो रहा है क्योंकि अब इतनी सर्दी होने लगी ना कि हीटर मैं ऑन करके फिर सोती हूँ तो मस्त ऐसे रूम गर्म गर्म हो जाता है, तो पता नहीं शायद उसकी वजह से हो रहा है। बट ऐसा वेदर हो रहा है ना कि तुम उठ ही ना पाओ। भाई मेरा मूड तो सच में वेदर पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा है, धूप निकल रही है, मस्त है एकदम सनी सनी, तो मेरे को मज़ा आएगा काम वाम करने में, उठ भी जाऊंगी। बट अगर ऐसा है, तो ऐसे है मेरा। सच में अगर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ ना, मतलब इतनी देर में मैं उठ के दिखा सकती थी बट यू नो आलस। तो अगर मैं आपको बाहर दिखाऊंगी ना, ऐसा लगेगा भी नहीं कि 10 बज चुके हैं, ऐसा लग रहा है 7-8 बज रहे हैं। भाई कैसे चलेगा काम? और एकदम ऐसे शांति है ना बाहर, बस बर्ड्स की आवाज आ रही है, चू चू चा चा। सब छुट्टी है और इतनी डल लाइटिंग है कि मैं कुछ अपने इंस्टा के लिए भी कंटेंट नहीं बना सकती, तो आई डोंट नो मैं क्या करूंगी। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल मैं लेटी हूँ, देखते हैं मैं उठ पाती हूँ कि नहीं। शिट शिट गाइस, ये देखो कैसे पड़ा है टांगे उल्टी करके। से हाय। A few moments later. I think finally मुझे अपने बेड से उठ जाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लग रही है। भूख लगी जोरों की भूख लगी। बारिश हो रही थी यार, बारिश ही होती रहती, पागल है क्या ये? कभी बारिश कभी ठंड कभी बारिश। उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। यहाँ पे आके मैंने इतना हेयरफॉल हुआ ना, कम हो गए मेरे बाल। चलो इसी बहाने में तुम्हें बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। आपको यहाँ की विंडो नहीं दिखाई ना? देखो जैसे ये विंडो है, ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसे खुलती है, ठीक है, खुल गई। बट अगर तुम्हें वैसे खोलनी है तो तुम ऐसे करोगे ऊपर, फिर ये ऊपर से खुल जाती है। तो ये यहाँ पे आके मेरे को ओहो बहुत डिफरेंट सी लगी। ये तो मैं पूरे टाइम खोल के रखती हूँ क्योंकि अब हीटर भी चलाने लगी ना, नहीं तो कभी मैं टपक जाऊँ, तो इसलिए वो एक विंडो में ऊपर वाली पूरे टाइम खोल के रखती हूँ। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना बाहर, मेरी टेबल पे मेस देखो आप, ये बनाया था कल मैंने गाइस, लेट मी शो यू। इस पे मैंने वो किया मार्वल इफेक्ट, तो आप इस चेन की जगह मैं सोच रही हूँ थ्रेड वाला नहीं आता, वो एक मेरे पास है, वो भी डाल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर लगेगा आई थिंक। हरियाली में बैठी हूँ कितने में, ब्रश करके आके फिर कंबल में बैठ चुकी हूँ। आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं घर पे हूँ, एकदम घर वाली फीलिंग।
आलसी वाली, मतलब बेसिकली आलसी। हाँ, और अब मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट, अब मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट का टाइम तो बचा नहीं है, तो मैं सीधा लंच कर लेती हूँ। और लंच भी पता है कैसे सोचा है मैंने, ये मेरे बाल ऐसे क्यों है देखो, सॉरी। लंच भी कैसे फाइनलाइज किया है मैंने, सारे उसको देखते हुए, सारे माहौल को देखते हुए। दाल मैंने रात बनाई थी तो वो रखी है, मैं राइस बना लेती हूँ, मस्त दाल राइस। ओ गॉड, कंफर्ट फूड है भाई, दाल राइस मस्त बैठ के खाऊंगी, मस्त कुछ लगा लूंगी, कोई शो वो, ओहो मजेदार लाइफ। यार पता है क्या है, मैं बहुत ज्यादा ऐसी वो हूँ कि मतलब मुझे बाहर बाहर जाने का इतना ज्यादा कुछ शौक है नहीं, मतलब ये भी है कि मूड पे डिपेंड करता है और वेदर पे भी, बेसिकली मतलब मूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मेरा मूड है तो ठीक है, नहीं तो मैं 2-3 दिन लगातार रूम में अकेले रह सकती हूँ, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। अब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं लाइक वीडियोस बनाती हूँ तो तुमसे ऐसे बोल पाती हूँ इतने ज्यादा, अगर तुम मुझे फेस टू फेस मिलोगे ना मैं कुछ नहीं बात कर पाऊंगी भाई। मतलब मुझे ये है कि बात थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बट अगर उस बंदे के साथ मैं कंफर्टेबल हो गई फिर तो बहुत चपड़ चपड़ हो सकती है, अदरवाइज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में मैं एकदम से किसी से भी, स्टार्टिंग में भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे को लाइक कॉलेज में थी जब मैं, उनका स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा रूड लगती थी कि एकदम ऐसे अपने में रहती है, ऐसे इतना ज़्यादा एटीट्यूड है ये वो, बट जब फिर धीरे धीरे बात होती है ना फिर एकदम ऐसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर तो बहुत, फिर तो चुप नहीं होना। कल ही डैडी ने मुझे बोला कि हार्डवर्क, मतलब कमेंट किया, और आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वाओ। यार कभी कभी तो चलता है ना, अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना चाहिए, मी टाइम। बेसिकली मी टाइम तो नहीं लग रहा मेरे को, ये लग रहा है बस सोते जाओ लेटे जाओ। यार तुम्हें एकदम बाहर एकदम से मस्त बारिश जैसा मौसम है ठीक है, और ब्लैंकेट है तुम्हारे पास, और मस्त एकदम ऐसे इतना अच्छा रूम है, और ऐसे लेटे रहो, मतलब सो भी नहीं रहना, लेटे रहो, इतना मजा आता है। और जब हल्की हल्की ठंड और तुम कंबल, ओ भाई जन्नत, उससे ज्यादा बेस्ट चीज नहीं है कुछ भी। बस बस ये बालों को देख लो मेरे, यार मेरे बालों का वो बताओ कुछ जुगाड़, ये ऐसे खड़े होते हैं। एंड तुम मेरा आलसपन देख रहे हो, मैं आज टेबल पे भी नहीं खा रही हूँ, यहाँ पे खा रही हूँ, बट मैंने ये नीचे ये डाल लिया क्योंकि मुझे मेरे पे विश्वास नहीं है मैं गिरा सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे ये डाल लिया है। एंड अब खाएंगे खाना, तुम भी खा लो गाइस जल्दी से। भाई लेटे लेटे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया था, फिर मैंने सोचा यार रात को दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी, तो मैंने अभी पहले अपनी वीडियो एडिट की, तो थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर मुझे क्ले से कुछ बनाना है। ये तुम्हें लग रहा होगा ऐसे फन वन के लिए, बट मैं कब, जब कुछ हो जाएगा ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्यों बना रही थी, क्या कर रही थी ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पढ़ती हूँ फिर वो बनाऊंगी, फिर शाम को देखते हैं अगर वॉक वॉक के लिए बाहर चलेंगे, अदरवाइज बहुत ठंड है मेरा कोई मूड नहीं है बाहर जाने का, लेट्स सी क्या करते हैं। तो अभी मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपसे मिलूंगी। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा व्लॉग इसी जगह बैठे बैठे बना दिया, ठीक है अब क्या करूँ बताओ, इतना सुंदर मैंने रूम अपना बनाया है, ये मैंने इसीलिए तो बनाया था, मेरा कब से मन था एक मेरा रूम हो प्यारा सा, उसको मैं अच्छे से ऐसे डेकोरेट करूं, उसमें मैं ऐसे बैठूं वीडियो बनाऊं। ये देखो गाइस मैं क्या कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्रोसो भी बनाया है, कैसे दिखाऊं, ये देखो अभी वो सूखेगा फिर इस पे मैं कलर करूंगी। एंड ये ब्रश स्टैंड भी है, जैसे पेंटिंग ब्रश होते हैं तो मैं इसको ऐसे खचक अटका सकते हो, लेट्स सी अगर ये नहीं। एंड ये देखो मैम, ये जो हमारे थंबनेल बनाती है मैम है, ये कहाँ गई। एंड
एंड मैंने एक और चीज़ बनाई है, वो भी ड्राई हो रहा है, उसको मैं उठा के दिखा सकती हूँ। लेट मी शो यू। ये देखो, ये भी उल्टा है, मतलब ऐसे हम इसको सीधा करेंगे फिर ये ऐसे पूरे में ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। लेट्स सी ये कैसा बनता है। इसकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो कैसा बनेगा। इसमें हल्के हल्के क्रैक्स तो आ रहे हैं, बट लेट्स सी कैसा बनता है। अब रात होते होते ना मेरा मन नहीं लग रहा, अकेले अकेले 2-3 दिन लगातार रूम में अकेले रह सकते भाई, छुट्टी होना बेकार है। पूरा दिन घर पे रह रहे कि भी हो गई। बस मैंने ये व्लॉग एंड करने के लिए कैमरा ऑन किया था, अदरवाइज मेरा मन नहीं है। बाय। If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. पहले ज्ञान दे रही थी अकेले ये अकेले वो, फिर आके ये वीडियो बना दी। यार थोड़े टाइम तो होता है, बट फिर तो थोड़ा थोड़ा तो लगता है ना यार, तुम्हें भी लगता होगा ना कभी कभी, तो ऐसे ही मुझे लग रहा है।